आपका 70 आ रहा है, कहीं दूसरे वाला का 72 आ रहा है, तो 99 लोगों को हरा देना। हे गाइज, अभी का जो दौर चल रहा है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसे हालात हुआ है। सरकार क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे TOD को लेकर के इतना दंगे फसाद हो रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना होने के बावजूद भी सरकार नहीं जग रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को इसको देखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, NTPC वालों का तो हो गया, उनका CBT 3 होने वाला है, जल्द ही जल्द फाइनल हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपके ज़िंदगी का अंतिम चांस है, इसको आप बेहतर करके कहीं ना कहीं जॉब ले लीजिए, ठीक है। जो विगनर है, जिनका मार्क्स कम आ रहा है, खास करके मैं उनके लिए बात करूँगा। दोस्त देखिए, सपने हर कोई देख लेता है, ठीक है, हर कोई सोच लेता है कि मुझे जॉब लेना है, फॉर्म डाल देता है। भीड़ की कमी नहीं है, सोचिए 1.18 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं, और 1.18 करोड़ बच्चों में कहीं ना कहीं 100 बच्चों पे एक सीट मिलेगा, ठीक है, एक सीट पे 100 बच्चों का कंपटीशन है। अब सोचिए कि आप उस रेस के घोड़ा होंगे जिसमें 99 लोगों को पछाड़ के आपको एक सीट लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना मेहनत करना है, इतना बेहतर अपने आप को सजाना है, इतना बेहतर करना है ना कि चुकने का चांस ही ना हो। आप नहीं जानते कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है वो कहीं 8 घंटा पढ़ रहा है, कहीं आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं, आपका जो दूसरा कंपटीटर है वो उससे बेहतर बुक से पढ़ रहा है, आपका 70 आ रहा है, कहीं दूसरे वाला का 72 आ रहा है, तो 99 लोगों को हरा देना, 99 लोगों को पछाड़ के एक पोस्ट को ले लेना, कहीं ना कहीं एक प्रकार का मतलब बाहुबली जैसा फीलिंग आएगा आपके अंदर, ठीक है। तो सोचिए कि आप 99 लोगों को पछाड़ के ग्रुप डी में एक पोस्ट लेंगे, वो भी ग्रुप डी का, मतलब ग्रुप डी को हल्के मत लीजिए, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है वहीं पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए भाई, जॉब हो ना हो, मतलब जॉब कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 99 लोगों को पछाड़ के जो जॉब लेंगे उसकी फीलिंग कुछ अलग ही रहेगी कि मैंने 99 लोगों को मतलब मार डाला, ठीक है, मैंने 99 लोगों को पछाड़ दिया, ऐसा फीलिंग लाना अपने अंदर, ठीक है। और वो कब लाएंगे, जब आप ग्रुप डी क्वालिफाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डी क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने आप को एक बार, मतलब एक नहीं होता है कि अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, मैं देखने नहीं आ रहा हूं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं मतलब एक आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर मैंने खून में उबाल है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे मतलब अपना पहचान बनाना है, तो आप इस बार झोंक दीजिए और उस रेस में दौड़ जाइए और उस रेस में 1 लाइए जिस रेस में 100 लोग दौड़ रहे हैं एक पोस्ट के लिए। सोचिए 1 करोड़ से प्लस, देखें 1 करोड़ से प्लस फॉर्म गिरा है और 1 लाख से समथिंग, थोड़ा 2-3 हज़ार ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसमें आपको मतलब चुकना नहीं है। और ज़िंदगी में आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार अपने आप को प्रूफ करना है, एक बार अपने आप को मतलब ये करना है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और एक बार जॉब लेकर के इस कंपटीशन की दुनिया को बाय बाय बोल देना है और जॉब की लाइफ जीनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ग्रुप डी वालों को एक ही बात बोलूँगा कि भाई देखिए, आप ज़िंदगी में आपका एज क्या हो गया, आप कितने एजेड है, कितने गलत काम किए, कितने अच्छे काम किए क्या नहीं किए मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो समय है, अगर इस समय आप अपना मतलब खून में उबाल ला लिए तो कहीं ना कहीं आपने की ज़िंदगी जीवन भर चमक जाएगी, पूरा ख़ानदान पूरा मतलब जनरेशन बदल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ सब कोई लेता है, पढ़ता हर कोई है, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी और एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट ऑफ माइंड दो चीज़ें काम करता है आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंसिस्टेंसी रखे हैं और आपका माइंड सही है, अगर आप सही सोचते हैं, सही आपके मतलब जो भी चीज़ें है तरीका है, तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रुकेगा। तो इस बार नहीं तो कभी नहीं, झोंक दीजिए अपने आप को, दिखा दीजिए कि आपके अंदर वो खून और आपके अंदर वो जोश मैं देखूं, आपके खून में उबाल डाल दूं, कहीं ना कहीं आपके खून को खौला दूं मैं कि आप ग्रुप डी का जॉब इस बार ले लीजिए। और मुझे रेलवे से कमाई हो रहा है, ऐसा नहीं है मैं नहीं कमा रहा हूँ, मेरे पास सफिशियंट है, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ज़रूरत है मुझे जो मेरे से जुड़े हैं उनका जॉब हो जाए। और वो ऑनेस्टली देखिए, मैं कोई भी अभी तक गलत न्यूज़ नहीं दिया हूँ, जो भी बना हूँ ऑनेस्टली बताया हूँ, कोई भी गलत न्यूज़ नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जॉब हो जाए, और कहीं ना कहीं मैं भी मेहनत किया हूँ, मैं भी बुरे हालात से गुजरा हूँ, तो आपके हालात को समझ रहा हूँ। तो एक बार दोस्त अपने आप को प्रूफ कर दीजिए, अपने आप को दिखा दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।